सुप्रभात विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर जो रिसेंटली 9 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट हुआ है उसका डिस्कशन हम करेंगे और उस डिस्कशन में हम प्रायोरिटी पर रखेंगे एमसीक्यूज। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं शुरू से एक एक डिटेल आपको कवर करते हुए उन वीडियो के आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कोड क्या होता है। कई बार आप इस कोड को लेके सोच सकते हैं कि कोड आपका क्या है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सीबीएसई ने हमारे पूरे कंट्रीज़ को और फॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर डिवाइड कर रखा है। और सीबीएसई टोटल 5 डिफरेंट क्वेश्चन बनाता है जिसका 65 कोड रहता है। 65 1, 65 2, 65 3, 65 4, 65 5 और हर एक एक रीजन में 3 डिफरेंट डिफरेंट सेट होते हैं। तो किसी स्टूडेंट को 1 मिलता है, किसी स्टूडेंट को 2 मिलता है, 3 मिलता है। तो जो सेट आपके पास होते हैं 1, 2, 3 एक ही सीरीज के, ये है सीरीज आपकी और ये कोड है। तो किसी एक रीजन में सीरीज सेम होता है और 3 अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन का ऑर्डर भी चेंज रहता है। तो इसी तरीके से मैं टोटल कंसिडर करता हूँ कि सीबीएसई टोटल 15 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर देता है। हालांकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट 15 क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बनाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे रीजन के अंदर ये कंडक्ट हुआ है 65-3 है ना, 65-3 आपका सीरीज है और सेट 1 आपका है, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से, एक एक डिटेल के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो आप लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मैं सिंपलेस्ट वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो हम 2x2 ऑर्डर की लेते हैं, तो इस तरीके की होती है। और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होते हैं डायगोनल्स के एलिमेंट, इनको आप बोल सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स। और बाकी जितने भी बचे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, बाकी जितने भी बचे हैं उनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल्स पर एंट्री 1 होती है और नॉन डायगोनल पर एंट्री 0 होती है। तो यहाँ डायगोनल पर देखिए 1 और 1 है, लेकिन अगर इसकी पोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसकी पोजिशन A11, इसकी पोजिशन A12, इसकी 2-1, A22। डायगोनल्स जनरली क्या है, एक्चुअली इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब उसका आईथ और जे, मतलब नंबर ऑफ रो कौन से रो में है और कौन से कॉलम है, वो दोनों सेम रहता है, वो डायगोनल्स बनते हैं। तो वो डायगोनल्स आपके पास 1 होना चाहिए। मतलब जब भी ए आई जे की बात करेंगे वो 1 होगा, इसका मतलब आई इक्वल्स टू कितना होगा, जे होगा। और बाकी के जो नॉन डायगोनल्स होंगे वो 0 होंगे जब भी आपके पास आई नॉट इक्वल टू जे होगा। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन डी दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि आई इक्वल टू जे होने पर 0 होना चाहिए, विच इज डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल 0 हो नहीं सकते हैं। ये कह रहा है कि सारे 1 होने चाहिए, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। और ये कह रहा है सारे 0 होने चाहिए तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। तो फर्स्ट बहुत ही आसान था, बहुत जल्दी आइडेंटिफाइबल था बिना कोई समय लगे, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा लेट आर प्लस डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, देन द फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1 1 1 2। मतलब फंक्शन को आपको चेक करना है कि 1 1 ऑन टू में से क्या बनेगा। बहुत ही आसान, अगेन अगर कोई बच्चा थोड़ा भी ग्राफ के बारे में या बेसिक डेफिनेशन के बारे में भी जानता है तो वो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है। देखो, आर प्लस यहाँ देख करके सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सबको इंक्लूड करना है। तो इसमें 0 भी इंक्लूड होगा ये। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा भी अगर ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ देखने से पहले आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए किस तरीके से होता है, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर
4349, और इसको मिलाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। अगर नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है, लेकिन हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके का होता है। लेकिन अगर आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की बात करेंगे तो किस तरीके का होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा, जीरो पर वैल्यू वन होगी, वन पर टू होगी, टू पर फाइव होगी, इस तरीके से उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आ रहा है, इसलिए आपका फंक्शन वन 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 भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब वन वन ऑन टू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को दो टेस्ट बताता हूँ। वो टेस्ट कैसा है कि देखिए, आपका डोमेन है ये, डोमेन है ये, तो आप डोमेन से पास होती हुई, डोमेन से पास होती हुई, डोमेन आपका ये और ये आपका कोडोमेन, क्योंकि वो भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। आप कोडोमेन से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को दो जगह पे कट करती है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाते हैं ग्राफ को दो जगह पर टच करती है या दो से ज्यादा जगहों पर टच करती है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप बहुत सारी इमेजिन करिए दिमाग के अंदर, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं होगी जो ग्राफ को दो जगह पर कट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर सेम वैल्यू नहीं दे सकता है। इसका मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। इसका मतलब फंक्शन आपका वन वन है। ऑन टू क्या, ऑन टू का टेस्ट भी इसी तरीके से करना है आपको। ऑन टू में देखिए, आप ऑन टू में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, लेकिन ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जो आपके पास रेंज या कोडोमेन से पास होती है, कोडोमेन से। और कोडोमेन में अगर आपको कोई एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है जो ग्राफ को टच नहीं कर रही है, जो ग्राफ को टच नहीं करती है, इसका मतलब उसकी प्री इमेज नहीं है। तो देखिए, यहाँ वन से अबव बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होगी जहां से पास होती हुई आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाएंगे तो वो ग्राफ को बिल्कुल टच नहीं करेगी। इसका मतलब उनकी प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि फंक्शन वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो वन वन बट नॉट ऑन टू, करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ए। अगर आप इसको काउंटर एग्जाम्पल दे के देखना चाहते हैं तो 0.5 0.5 पर आपके पास कोई नंबर आके नहीं बैठने वाला। देर एग्जिस्ट नो नंबर विच गोज टू 0.5। दैट्स वाई 0.5 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो करेक्ट ऑप्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू। आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये कई बच्चे इसमें वन वन एंड ऑन टू भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्राफ को इस हिस्से से देखना स्टार्ट करेंगे तो वो गलती कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखना है, इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फंक्शन का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। एडजॉइंट आप किस तरीके से निकालेंगे, 2 बाई 2 में क्या करना पड़ता है, ये जो एलिमेंट्स आपके पास है इनका प्लेस एक्सचेंज करिए। तो आप प्लेस एक्सचेंज करेंगे तो ये, और ये जो डायगोनल है इसके साइन चेंज करिए। ये हम 2 बाई 2 में इस तरीके से एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट हम याद करते हैं। तो ये आपके पास एडजॉइंट है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, सो मैं इसको ए के बराबर ही रख देता हूँ। तो यहां से हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी कि डी की वैल्यू वो ए के इक्वल है, माइनस बी की वैल्यू आपके पास डी के इक्वल है, माइनस सी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू बी के इक्वल है, माइनस सी की वैल्यू सी के इक्वल है, और ए की वैल्यू डी के इक्वल है। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि माइनस बी और बी दोनों इक्वल है। इसका मतलब बी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली माइनस सी इज इक्वल टू सी, मीन सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक ही चीज बचता है कि ए इक्वल टू डी आपके पास है। तो ये आपके पास है, बी आपके पास जीरो हो गया, सी आपके पास जीरो हो गया। वैल्यू किसका पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये दोनों जीरो, ए प्लस डी, तो ए और डी की दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप चाहे डी की वैल्यू ए रखिए या ए की वैल्यू रखिए, तो हम डी की जगह रख रहे हैं ए, तो ए प्लस ए आपका हो जाएगा 2A। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा 2A। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। तो दो मैट्रिक्स से आए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन। फिर आपके पास आता है फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है कि कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा। देखिए ये फंक्शन अगर देखा जाए तो ये फंक्शन किससे बना है, ये फंक्शन को हम कंपोजिशन के फॉर्म में देख सकते हैं, कंपोजिशन या एडिशन के फंक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होता है, मतलब दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर लिया जाए तो ये कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस होगा अगर f भी कंटिन्यूस है और g भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है और मॉडुलस का फिर से ये इस तरीके से फंक्शन लगे, तो ये ओवरऑल आपके पास इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए सब जगह कंटिन्यूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कंटिन्यूस एवरीवेयर। मतलब कंटिन्यूटी में कुछ एलजेब्रा हम पढ़ते हैं ना, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है ये कंटिन्यूस होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सम आपके पास कंटिन्यूस होगा। फिर सम का अगर मॉडुलस लेंगे तो वो कंपोजिशन आ गया, इस फंक्शन का और मॉडुलस एक्स का कंपोजिशन आ गया, तो कंपोजिशन भी आपके पास क्या है, कंटिन्यूस होगा। तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा। कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं कि मॉडुलस एक्स कहाँ गड़बड़ करता है, जीरो पे गड़बड़ करता है और डिफरेंशिएबिलिटी में करता है, तो ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी सारी की सारी साइड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही एट द रेट ऑफ 1.5। मान लीजिए कि साइड आपके पास ए है और ये डिक्रीज हो रही है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब अगर मैं dA by dt लिखूं तो वो है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान दीजिए यह वर्ड डिक्रीजिंग है, इसीलिए आपके पास माइनस में होगा। ये पूछ रहा है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो मान लीजिए p है तो पेरीमीटर आपके पास 4a होगा, तो dp by dt अगर हम निकालेंगे तो 4 कांस्टेंट dA by dt, तो 4 की जगह 4, ये आपके पास माइनस 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे पूछा है कि द रेट ऑफ डिक्रीज, इसका मतलब माइनस वाला सिंबल आपको हटाना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये पूछता कि रेट ऑफ चेंज क्या है तो हम माइनस 6 बोलते, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज अगर पूछ रहा तो हम बोलेंगे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, तो 5 में भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। तो मेरे टीचिंग करियर के मैं जितने भी क्लास 12 के एग्जाम हुए उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन पेपर मुझे इस बार का लगा, जो कि होना चाहिए बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप दे देंगे तो वो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि हम एनसीईआरटी में कुछ अलग चीज़ें हैं, आप उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हो तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये इस बार लगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर बहुत शानदार बना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। देखिए ये मैं बताता हूँ, स्टॉक क्वेश्चन एक नंबर में हमेशा पूछा जाता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि अगर माइनस ए से ए अगर आपके पास इंटीग्रेशन है और एफ एक्स डी एक्स अगर है, तो आप एक प्रॉपर्टी के बारे में विचार करिए, वो है ये है कि फंक्शन आपका ऑड अगर निकला तो इसकी वैल्यू होगी जीरो, ऑड अगर निकला तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो यहाँ पे जीरो दे रखा है, इसका मतलब एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स ऑड होगा, एफ एक्स इज ऑड। और ऑड की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स रिप्लेस करते हो तो ये माइनस बाहर की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं, ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन, ये आपका करेक्ट लग रहा है। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया। ये डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन, एमसीक्यू में इतना ही लेंदी क्वेश्चन होना चाहिए, उससे ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स लॉग एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। पूछ रहा है किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगा, होमोजीनियस से सॉल्व होगा, या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LD बनेगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि अगर आप इसको x log x से डिवाइड अगर आप करोगे
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी x log x y एंड 2 log x x, ये बन रहा है। तो इसको कंपेयर किया जा सकता है dy by dx plus px y equals to qx, this is purely function of x, this is purely function of x, y is there, dy by dx is there, that's why this is first order linear differential equation. So correct option is C. So let's move to the next question. This vector A is given, vector B is given, then A and B are, so clearly they are not parallel vector, clearly they are not parallel vector, because यहाँ टू आई केप है, यहाँ आई केप है, तो अगर मैं यहाँ से टू कॉमन निकालता हूँ तो आई केप माइनस वन बाई टू जे केप आता, लेकिन वो प्लस जे केप आना चाहिए, तो क्लियरली पैरेलल वेक्टर आपके पास है नहीं, यूनिट वेक्टर आपके पास है नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट वेक्टर भी आपके पास नहीं बन रहा है, तो पैरेलल आपके पास नहीं है, यूनिट नहीं, यूनिट क्यों नहीं, क्योंकि इसके लेंथ आपके पास रूट ओवर सिक्स हो रही है, इसकी भी रूट ओवर थ्री हो रही है, तो वो तो वन आ नहीं रही है, तो यूनिट वेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर हम चेक करते हैं, तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है, तो इन दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो आई प्लस जे माइनस के, डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट में आई केप का कंपोनेंट आई केप से मल्टीप्लाई होता है, प्लस जे केप का कंपोनेंट जे केप से मल्टीप्लाई होता है, और के केप का कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होता है, तो टू माइनस वन माइनस वन इज जीरो, mean A is perpendicular to B, so A and B are perpendicular vector. Very easy question. मतलब ये अगर बच्चा नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये तो बच्चे को मतलब देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि perpendicular ही मुझे चेक करना है। ठीक है, हमने parallel भी चेक किया, unit भी चेक किया, but student must go and see, पहले उसको perpendicular चेक करना चाहिए। okay, so correct option is C. next, this was a bit good question, और मैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ कि ठीक है, हाँ ऐसा क्वेश्चन भी होना चाहिए, सारे क्वेश्चन अगर इजी हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखा कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच अलाइन मैक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक चीज तो हम जानते हैं कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बनाती है तो उसके कोसाइन का स्क्वायर जो होता है उसका सम आपके पास कितना होता है, वन होता है, उसका सम वन होता है, तो ऑप्शन ए तो आपके पास करेक्ट है ही नहीं, दिस इज ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं। अच्छा, इससे इसको अगर हम साइन पे कन्वर्ट करें तो यहां क्या लिख सकते हैं, हमें कॉस, एक फॉर्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगी, तो मैं सबकी जगह साइन में कन्वर्ट करूं तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन, तो वन से वन कैंसिल हो गया, और ये दोनों टू को यहां रखो, बाकी सबको उधर भेजो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू टू, तो ये ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग नहीं है। थर्ड वाला देखिए, कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा, ये भी अगर इसमें कॉस टू को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर गामा माइनस वन, ये मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, इट इज माइनस वन, तो यहां पर देखिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री अगर आपके पास उधर गया तो ये आपके पास बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इधर आपके पास माइनस थ्री इधर गया तो माइनस वन प्लस थ्री विच इज इवेंचुअली टू, टू से टू कैंसिल करो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन, इसका मतलब ये भी आपके पास ट्रू है, तो आपके पास कौन सा ट्रू नहीं होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू वन, करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल, हु आर द डिसीजन वेरिएबल, एक्स एंड वाई, इन्वॉल्व इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर
प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कार्ड। देखिए, कोई भी आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके की होती है। जनरली ए वन एक्स प्लस बी वन वाई लेस देन इक्वल्स टू सी सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई लेस देन इक्वल्स टू सी टू, एंड एक्स वन एक्स कॉमा वाई आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो ये डिसीजन वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, और एक्स और वाई पर रेस्ट्रिक्शन कौन लगा रहे हैं? एक्स और वाई पर रेस्ट्रिक्शन ये लगा रहे हैं कि एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं, और इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। इसको कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो यहां पे क्लियरली इसके बारे में बात की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा कंस्ट्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी था, फिर भी हो सकता है किसी का गलत गया हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ई एन एफ बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज दिस, देन दिस। तो हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्लास 11 का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, बहुत आसान क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज दिस, यूनियन इज दिस 0.1 0.3, ओहो इट इज 0। ओके, नाउ इंटरसेक्शन इज 0, सो ई बाई एफ इज गिवन बाय, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, सॉरी एफ बाई ई का निकालना है, probability of f by e is probability of f intersection e divided by probability of it। तो probability of f intersection e और e intersection f एक ही चीज होता है, तो यहाँ आएगा 0, probability of e which is 0.1, तो 0 ऊपर आ गया तो आंसर आएगा 0। तो करेक्ट आंसर आपका और d, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, if a and b are two skew symmetric matrices then ab plus ba is, देखिए skew symmetric क्या होता है, अगर उसका transpose लिया तो उसका negative आता है। तो मैंने a का transpose लिया minus a आया, b का transpose लिया minus b आया, ये आपके पास skew symmetric matrices। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आपका ab plus ba किस type का matrices होगा, तो ये जानने के लिए हमें इसका transpose लेना पड़ेगा, और ट्रांसपोज में अगर दो मैट्रिसेस प्लस हो रही है तो आप उसका इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। और जब आप ट्रांसपोज दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे लगा रहे हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में आएगी, तो यहाँ ए पहले तो ए बाद में आ जाएगा, बी बाद में तो पहले आ जाएगा, प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस बी, इसकी वैल्यू है माइनस ए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ध्यान रखना, फिर ये माइनस है सॉरी प्लस माइनस बी, तो ये हो गया बी ए प्लस ए बी। तो इवेंचुअली अगर इसको मैं लिखूंगी ए बी प्लस बी होगा तो वही वाली मैट्रिक्स आ गई ना, वही वाली मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक गलत होगा, नल कोई जरूरी नहीं है, आइडेंटिटी कोई फिक्स नहीं है, स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही वाला मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बनाया जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से पूछा जाना चाहिए था और उसमें के की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, लेकिन सिंपल आपको डिटरमिनेंट दे रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रहा है, देन पूछ रहा है कि आपके पास क्या है। तो चलिए ओपन करते हैं 131K01001। मैं तो इसको ओपन करने वाला हूं इसके अलॉन्ग क्यों ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरो से तो मुझे कैलकुलेशन वाइज बिजी रहेगा, तो ये जीरो इसका वन और इसकी पोजीशन 3-3 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन और आपका डिटरमिनेंट आएगा 13K0 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब आप इसको ओपन करेंगे तो 1 × 0 विच इज 0, माइनस 3K, सो माइनस 3K इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो आप एक बार प्लस लीजिए, प्लस लेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा, इससे आपकी k की वैल्यू प्रोड्यूस होगी माइनस का 2, और अगर आप माइनस लेंगे ये प्लस लेने पे ये माइनस लेने पे,
माइनस अगर आप लेंगे तो आपके पास के की जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही 2। तो आपके पास वैल्यू देखिए, सीबीएसई भी बहुत शानदार क्वेश्चन कर रहा है, दोनों ही करेक्ट आंसर मानता हूं, और मैं गारंटी से कहता हूं, और मुझे लग रहा है, गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, सीबीएसई ही जाने इस बात को, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सी और डी दोनों है। सी और डी में कौन कहेगा कि भाई अलग अलग आंसर, दोनों ही सेम आंसर है, प्लस माइनस, माइनस प्लस एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों, क्योंकि बच्चा प्लस वाले ले माइनस तो उसकी मर्जी है ना, तो उसमें तो ये आंसर दोनों सेम है, इसका मतलब सी और डी दोनों माना जाना चाहिए। अब सीबीएसई क्या मानता है तो देखते हैं इसमें क्या आता है, लेकिन इसके दोनों ही आंसर करेक्ट होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। लेट्स सी द 14। द डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू 3x। देखिए, जब भी विद रेस्पेक्ट, डीवाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करना उसका डिफरेंशिएशन, और इसका तो ये आपके पास इस तरीके का डी डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ 3x, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x डिवाइड बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 3x डिवाइड बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x के जो जानने के लिए आपको डी बाई डी एक्स एक्स आना चाहिए, तो ये आता है एक्स लॉग ए। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे 2x log 2 और 3x का हो जाएगा 3x log 3। तो इसमें से करेक्ट कौन सा आएगा, 2/3 की होल पावर x। पहले तो मैं देखूंगा 2/3 कहाँ है भैया, 2/3 यहाँ है और 2/3 यहाँ है, तो पावर एक्स से पावर एक्स दोनों के सेम, लॉग टू ऊपर आना चाहिए, लॉग टू ऊपर आना चाहिए। देखिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एक बच्चे ने बोला है कि सर जो आ रहा था इसमें तो मैं करके आया, जो नहीं आ रहा था उसमें सी ऑप्शन लगा गया। देखिए, सी ऑप्शन लगाने का फायदा उसको यहाँ पे मिला होगा, अगर उसको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपके पास 2 है और के आपके पास कोई एक स्केलर है जिसकी वैल्यू जो आपके पास है -3 से लेके 2 तक मूव करती है, -3 से लेके 2 तक, तो के ए वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान से, लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो देखिए ये तो मैं पहले ही कट करूंगा, क्या लेंथ 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है 0, क्योंकि -3 और 2 के बीच में 0 नंबर एग्जिस्ट करता है, और अगर आप 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे 0 वेक्टर आएगा, 0 वेक्टर की लेंथ होगी 0, तो 0 पॉसिबल है, तो इसमें 0 ऑप्शन तो है नहीं, तो ये भी कट। यहाँ पे लिखा कि 0 से लेके 4 तक और 0 से लेके 6 तक, तो कितना जाएगा, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम लूँ तो -3 a को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो इट इज 3 a, सो इट इज 3 into a, a is 2, सो 6 मैक्सिमम, ये 6 तक जा सकता है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएगा ना तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगा नहीं मैं ऐसे कर लूं, लेकिन कई बच्चे ऑप्शन ए की तरफ भी देख रहे होंगे जो कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन द एंगल विद विच इट मैक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एक्स और जेड के साथ कितना बनाती है, 45। तो एक रूल हम जानते हैं कि अल्फा का वैल्यू 45 है, बीटा का वैल्यू पता नहीं है, गामा का वैल्यू 45 है और बीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो हमारे पास एक रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू, इसके वैल्यू पता है, क्यों पता है, क्योंकि ये 45 है, ये कितना है 45 है, और अगर ये 45 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर हुआ तो 1/2, ये इसका स्क्वायर हुआ 1/2,
वन बाई टू प्लस वन बाई टू कितना हो गया, वन हो गया। तो मतलब मैं लिखू वन प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन, वन से वन कट गया, कॉस स्क्वायर बीटा एज जीरो, तो इसका मतलब कॉस बीटा एज जीरो। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। जीरो नहीं आएगी भैया, ये आएगी पाई बाई टू। तो जिसने भी जीरो किया वो गलत है, पाई बाई टू। फिर से करेक्ट ऑप्शन सी है। तो जिसको नहीं आ रहा, जिसने तुक्का लगाया सी, तो बहुत अच्छा हो गया भैया। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। यहाँ पे लिखा, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कंस्टेंट रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। देखो भैया, इक्वेशन पहली वाली दूसरी वाली थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेम है, इक्वेशन बिल्कुल सेम है भैया, इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो रहा है। इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो रहा है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 76, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, हमारी पहली वाली लाइन, इसका एरिया आना चाहिए ऊपर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन किस में सेटिस्फाई करता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन रखने पर फॉल्स होना चाहिए। तो देखिए, ओरिजिन रखने पर पहले में रखा ओरिजिन, पहले में रखा ओरिजिन, तो जीरो प्लस टू इंटू जीरो विच इज लेस देन 70, दिस इज ट्रू। तो ये तो टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो लेस देन जहां पे भी आता, दोनों दोनों को खत्म करो भैया, ये तो हमारे कोई काम के नहीं, ये दोनों काम के, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी लाइन आपके पास क्या कह रही है, कि मैं तो हूं टूवर्ड्स ओरिजिन, मैं किस तरफ हूं, मैं तो टूवर्ड्स ओरिजिन हूं। टूवर्ड्स ओरिजिन का मतलब मुझ में ओरिजिन रखने पर सेटिस्फिकेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले में हमने रखा, देखो टू इंटू जीरो प्लस वाई, ये भी जीरो, ये 104, तो जीरो इज ग्रेटर देन 104, तो ये तो फॉल्स आ जाता भैया, फॉल्स वाला तो लेना नहीं हमको। तो यहाँ पे आ रहा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं इन दोनों को करूंगा खत्म, मेरे लिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है। लेकिन इधर वाला कह रहा है कि फर्स्ट वाला कंसिडर कह रहा है कि सी और डी लो, सेकेंड वाला कंसिडर कह रहा है बी और सी लो, तो मैं लूंगा सी। मैं क्या लूंगा भैया, मैं लूंगा सी। तो बच्चा ठीक है कि नहीं, जिसने कहा कि सर मुझे जो नहीं आया उसमें मैंने सी टिक किया, तो भैया हो गया कल्याण, बहुत अच्छा। तो चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इक्वल्स टू दिस देन ए इनवर्स, तो ये है, और ए इनवर्स हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए, तो इसके लिए हम पूरा प्रोसेस तो नहीं करेंगे, हम क्या कि मल्टीप्लाई करके चेक करते कि क्या आता है। सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए भैया, आपका आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। अगर मेरा आइडेंटिटी आ गया तो मैं इसको फाइनल कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के लिए रो को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, सर कॉलम से किया जाता है, तो करो टू इंटू वन बाई टू, फिर क्या जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, काम हो गया भैया, यहाँ आ गया वन, सर आ गया वन। फिर देखो इसको अगर आप यहाँ वाले एलिमेंट के लिए, इसको अगर आप इससे करोगे जीरो आएगा, इसको करो थर्ड वाली रो से, यहाँ जीरो आएगा, काम हो गया। फिर नेक्स्ट वाले पे मूव करो, ये इस वाले एलिमेंट के लिए, यहाँ इसमें और यहाँ इसको करो तो जीरो आएगा, और इसको करोगे तो यहाँ वन आएगा, जीरो आएगा। बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑप्शन से आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से आपका आ रहा है आइडेंटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई थ्योरी याद नहीं है, तो आप ठीक है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ तुक्का मत लगाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता है कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसमें सी नहीं लगा, तुक्का लगाया सी, तो हो गया भैया गलत, करेक्ट ऑप्शन ए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे 18 एमसीक्यूज हो गए, अब हम केस स्टडी पे मूव करते हैं। केस स्टडी के केस में मैं पहले से आपको बता देता हूँ, थोड़े से क्वेश्चन आगे पीछे आंसर्स में
सीबीएसई कुछ और दे सकता है भाई, क्या दे सकता है? देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये इसके ऑप्शन यहाँ लिखे हुए, यहाँ लिखा है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। दोनों की डेफिनेशन देखो, डायगोनल और स्केलर। तो सबसे पहले देखो, स्क्वायर, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों ही क्या होती है? स्क्वायर होती है। फर्क क्या होता है आप देखिए, ये होता है आपका मेन डायगोनल, बाकी क्या है? नॉन डायगोनल। बाकी को मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल तो जीरो होते हैं, स्क्वायर में तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर क्या होता है? डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी नंबर, कोई भी नंबर, जीरो भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन बाकी के क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और स्केलर में क्या होता है कि जो जितने भी मेन डायगोनल पे आएंगे वो आपके पास सेम आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि यहाँ 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 नंबर फिक्स आएगा, मान लो जीरो आ रहा तो जीरो आएगा, या वन आ रहा तो वन आएगा, और बाकी जीरो होंगे, तो ऑफ कोर्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दैट्स ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन क्या? इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दिस इज फॉल्स भैया, दिस इज फॉल्स। तो अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स अगर आ गया तो आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी। तो तुक्का जिसने लगाया सी में, तो सी सही हो गया भाई, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। इसमें सीबीएसई सी ही देगा गारंटी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये तो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए, पहले देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या क्या फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला बनता है ये, और लिखा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसका फॉर्मूला बनता है बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों सेम कैसे आएगा? चलो ऊपर वाला नंबर सेम, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। अरे फॉल्स हुआ तो मजा आ गया, फॉल्स तो बहुत कम जगह मिलेगा। देखिए इसमें एसेशन और रीजन दोनों ट्रू है तो ये होगा नहीं, इसमें एसेशन और रीजन दोनों ट्रू ये होगा नहीं, इसमें एसेशन ट्रू है ये भी नहीं होगा, एसेशन इज फॉल्स। मैं तो सेकेंड वाला देख ही रहा, करेक्ट ऑप्शन है डी, तो करेक्ट ऑप्शन डी। तो मैंने सारे 20 क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है जल्दबाजी में या थोड़ी सी छोटी मिस्टेक के कारण किसी एमसीक्यू में अगर मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके नीचे बताइए। मैं बाकी क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज भी इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी जो केस स्टडी 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, वो भी इसी चैनल पर फुल सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।